हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम एलगी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि एलगी का इंडस्ट्रियल यूज़ कैसे होता है। मेनी प्रोडक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम एलगी। एलगी का बहुत सारा प्रोडक्ट जो होता है वो कॉमर्शियल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट वो एलगी द्वारा डिराइव किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अगर कैरेजिनिन, एलजी नेट एंड फ्यूनोरी और बहुत सारे हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर इस जेली लाइक म्यूसिलेजिनस कार्बोहाइड्रेट ऑप्टेन फ्रॉम जेनेरा रोडोफाइसी जो होता है उसको जनरली हम रेड एल्गी कहते हैं। और यह अगर जो होता है वो जेली लाइक म्यूसिलेजिनस कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम डिराइव करते हैं। इम्पॉर्टेंट अगर प्रोड्यूसिंग जेनेरा जो होते हैं वो जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस एंड फाइलोफोरा जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट अगर प्रोड्यूसिंग जेनेरा होते हैं। इट इज यूनिवर्सली यूज्ड एज बेस ऑफ फॉर डिफरेंट कल्चर मीडियम इन लेबोरेटरी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। इसका उपयोग जो होता है वो बेस के रूप में, प्लांट टिश्यू कल्चर के बेस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन पैकिंग ऑफ कैंड फूड, इसका कैंड फूड की पैकिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। और इसका इसे जो है ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं। और लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका हम यूज करते हैं। हम कैरेजिनिन की बात करते हैं। इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड मेनी अदर एल्गी। ये जो होता है वो जनरली कॉन्ड्रस क्रिस्पस एक एल्गी होता है और रेड एल्गी के सेल वॉल से इसको हम कैरेजिनिन। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक, पेंट एंड लेदर एंड फिनिशिंग, टेक्सटाइल ब्रीविंग मतलब बियर ब्रीविंग मतलब बियर इंडस्ट्री में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका कैरेजिनिन जो होता है वो इसका यूज होता है। फ्यूनेरी इस टाइप ऑफ ग्लू ऑप्टेन फ्रॉम ग्लोयोपेल्टिस फर्केटा। फ्यूनेरी जो होता है वह एक टाइप का ग्लू होता है जिसे हम लोग फर्केटा से ऑप्टेन करते हैं। इसका यूज कुछ इस तरीके से होता है। इसका जनरली यूज हेयर कलरिंग में और इसका जो होता है वह क्लॉथ और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।